सब्सक्राइबर माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने यूट्यूब मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे महिंद्रा 275 DI की स्टीयरिंग के बारे में। ये इसकी स्टीयरिंग है, तो इसमें प्रॉब्लम थी कि जैसे हम इसकी टायर एंड रोड खोल के उसको घुमाते थे तो ये बिल्कुल आसानी से घूम जाती थी, और जैसे ही हम इसको टायर एंड रोड को लगा के और ट्रैक्टर को चलाते थे तो हमारी स्टीयरिंग टाइट हो जाती थी। तो ये हमारे पास कहीं से खुल के आई है, ये हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है तो हम इसको सिर्फ फिटिंग करके आपको बताएंगे। तो हमने इसको खोला तो ये इसके जो बेरिंग है, तो ये बेरिंग इसके सही निकले दोनों। तो फिर हमने इसकी ये सेक्टर जो गुट्टी रहती है, हमने इसको खोला तो इसमें इसके सारे छर्रे ख़राब हो चुके थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें भी निशान आए हल्के फुल्के, ये निशान आ रहे हैं इसमें हल्के फुल्के। और ये इसलिए टाइट होती थी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ अड़के चलती थी। एक मिनट टॉर्च ऑन करके बताता हूँ, ये जो गड्ढा दिख रहा ना, ये जगह हमारा जो ये हमारी ये गुट्टी है तो ये इसके अड़के चलती थी, तो इसलिए हमारा जो स्टीयरिंग टाइट हो जाता था और इसमें छर्रे तो निकले ही नहीं बिल्कुल। और ये इसकी पुरानी गुल्ली है जो कि कटी हुई है, आप देख सकते हैं ये कटी हुई है। तो हमने इसको सिर्फ इसमें हमने ये एक तो ये गुल्ली डाली है सेक्टर की, और ये गुल्ली इसकी नई, और हम इसके ये छर्रे इसमें जमा देंगे एक एक करके ग्रिस लगा के। हमने एक तरफ इसके छर्रे जमा लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, और बीच में इसका ये सॉकेट है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसका सॉकेट है बीच में, इसके दोनों तरफ छर्रे जमे हुए हैं, एक तरफ हमने इसके छर्रे जमा लिए हैं और एक तरफ हम और इसके छर्रे जमा लेंगे। ये जो छर्रे हैं सारे इसके हम इसमें जमा देंगे, उसके बाद हम इसको इसमें फिट कर देंगे। हाँ तो दोस्तों, हमने इसमें दोनों तरफ छर्रे जमा लिए जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम ये इसकी जो पिन है इसमें इस पिन को ऐसे लगा के और इसमें इसको फिट कर देंगे। और ये इसके वाइशर हैं दोनों, तो हम इन वाइशरों को इस तरीके से लगा देंगे ऐसे। और ये वाइशर भी पुराने ही है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं इसको यूँ ऐसे पलट कर लगा दूँगा, ये इस तरीके से लगेंगे, ये इस तरीके से लगेंगे। तो मैं जल्दी से इन दोनों को वाइशरों को इसमें लगा के इसमें बिठाता हूँ। दोस्तों, मैं इसको इस तरीके से फिट कर लेना, अभी हम वाइशर को धीरे धीरे अंदर की ओर कर लेंगे। इसी पेंच के ला दो दोस्तों, हमने इसको पेंचकस की मदद से इसके दोनों ये एक ही गुट्टी और ये इसके दोनों वाइशर बिठा लिए अच्छी तरह, ये टाइट है। और हम इसमें अभी ये पिन लगा देंगे, पिन को हम किसी औजार की मदद से इसमें अंदर बिठा लेंगे। बिठाने के बाद ये डीबरी है, वैसे ये इसके साथ ये डीबरी नहीं आई, तो मैंने ये स्वराज 735 की ब्रेक की लोग डीबरी है, तो हम इसको इसमें कस के देखेंगे एक बार। हाँ तो दोस्तों, हमने इसको इसमें फिटिंग कर लिया है पिन को, और इधर हमने इसकी ये ब्रेक की लोक डिब्री भी लगा दी है, इधर भी लगा देंगे हम। और इसको हमने घुमा के देखा तो ये वैसे नहीं घूम रहा, पर पेचकस की मदद से घूम रहा। मैं आपको बताता हूँ, पकड़ भाई, यहाँ दिखा इधर, ये पेचकस की मदद से घूम रहा है बड़ा आराम से। थोड़ा सा ये टाइट है तो ये चलते चलते फिर हो जाएगा। ये ठीक, हाँ तो दोस्तों, हमने इसकी दोनों डिब्री लगा ली है, एक ही वाली और एक ही वाली। अब हम इसको अभी वेल्डिंग नहीं कराएंगे इस जगह में, पहले हम इसको ये राड कंप्लीट कर लेंगे, पहले हम इस राड को कंप्लीट करके तो इसको लगा के देखेंगे, उसके बाद ही इसको वेल्डिंग के टुच लगाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसमें ये बेरिंग लगाएंगे, ये इस तरीके से
इसका बेरिंग लगा देंगे सबसे पहले, उसके बाद हम ये इसकी जो राड है इस राड को लगाएंगे इसको इस तरीके से। हमारी राड लग चुकी है, अब हम इसके ऊपर एक और बेरिंग लगा देंगे। उसके बाद हमें दोस्तों ये वाला बेरिंग लगा लेना है, ये इस तरीके से लगेगा, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद हमने इसको बेरिंग को भी आयल में लगा लिया है, और उसके बाद हम इसके कोण लगा, उसके बाद हम ये इसकी एक कोण लगा देंगे, इस तरीके से लग जाएगी, इस तरीके से लग जाएगी, बहुत आराम से लग जाती है दोस्तों। उसके बाद हम इसकी जो ये पाइप है इसका, इस पाइप को लगा लेंगे सिम में लगा के। दोस्तों हमने इसकी ये सिम में लगा ली है, और हम इसका ये पाइप लगा के और एक बार इसको वैसे ही कस के देखेंगे, अगर ये सही साट रहती है तो हम इसको थोड़ी सी हल्की सी ट्यूब लगा के फिर इसको वापस खोल के कस देंगे। हमने इसको ये जो दो नट है इस पर कस के चेक कर लिया है, आप देख सकते हैं ये फ्री भी है और इसमें पिले भी नहीं ऊपर नीचे की, ये फ्री है बिल्कुल, और आप इधर भी देख सकते हैं फ्री है बिल्कुल। तो मैं इसको एक बार खोल के टूप लगा के इसमें हल्की फुल्की एना बोर्ड लगा के इसको चार मिनट कस दूंगा, उसके बाद हम आपको ये सेक्टर लगा के दिखाएंगे। दोस्तों मैं इसको फिट कर लिया जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये बड़ी आराम से घूम रही है, देख सकते हैं ये बहुत आराम से घूम रही है और इसमें पिले भी नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारी ये स्ट्रिंग राड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद हम इसका ये सेक्टर लगा के देखेंगे। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, इसकी ये बीच की गिरारी ये भी घूम जाएगी, ये घूमती है कम्प्लीट, दूसरी तरफ ले देख सकते हैं आप ये घूम जाती है। तो ये हमारा स्ट्रिंग है कम्प्लीट हो चुका है, घुमा भाई घुमा एक बार और घुमा, हाँ ये घूम रहा है हमारा ये पूरी कुट्टी कम्प्लीट घूम रही है, तो घुमा ये। तो अब हम इसकी ये प्लेट लगा देंगे, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट लगा के और किना बोर्ड लगा के हम इसकी प्लेट लगा देंगे, और उसके बाद हम इसको थोड़ा देर किना बोर्ड को सूखने देंगे, उसके बाद हम इसमें आयल वायल डाल के तो कम्प्लीट करके, और ये घूम रही है कम्प्लीट। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, उससे हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और अभी तक आपने तो दोस्तों हमने इस पर ये जो इसकी प्लेट है इस पर एना बोर्ड लगा ली है, अब हम इसको इस तरीके से लगा देंगे, बस पेंच का सो ले इसको धीरे धीरे, इस तरीके से हमें ये प्लेट लगा लेनी है। प्लेट लगाने के बाद हम इसके ये नट लगा देंगे, तेरा की बॉक्स कोटी से हमें इसके नट कस लेना है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, उससे हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिलेगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों हमारी ये स्ट्रिंग बिल्कुल पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं घुमा दूसरी तरफ घुमा बिल्कुल हल्का हाथ से घूम रही है, और बाकी हम इसको जहाँ से हमारे पास आई उसको हम कह देंगे जी वो ट्रैक्टर में लगा के, और ये जो इसका सेटिंग नट है इससे इसको सेट कर देंगे, ये नट है इसका सेटिंग का।